मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए जस्टिफाई जस्टिफाई का मतलब है सही साबित करना या फिर उचित ठहराना अपने आप को सही ठहराने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ humiliate, humiliate का मतलब होता है अपमान करना या फिर नीचा दिखाना किसी को। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? Why do you always try to humiliate me? Why do you always try to humiliate me? Next word है enthusiast एंथुजियस्ट का मतलब होता है उत्साही या फिर समर्थक वह एक कार प्रेमी है या फिर कार उत्साही है ही इज अ कार एंथुजियस्ट ही इज कार एंथुजियस्ट स्टिल स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक वह अभी भी गुस्से में है

I have become a burden for you. Transparent. Transparent का मतलब होता है पारदर्शी या फिर साफ जिसमें से हम साफ साफ देख सकते हैं यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा It will be done in a transparent way. It will be done in a transparent way. नेक्स्ट है बायकट बाइकट का मतलब होता है बहिष्कार या फिर बहिष्कार करना हमने चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया है वी हैव बाइकटेड द चाइनीज प्रोडक्ट्स वी हैव बाइकटेड द चाइनीज प्रोडक्ट्स अलाउ अलाउ का मतलब है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे her parents वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल लक्ष्य हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं वी हैव reached our डेस्टिनेशन वी हैव रीच्ड our डेस्टिनेशन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित या फिर अचानक सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु पूरी तरह से अप्रत्याशित थी सिद्धार्थ शुक्लाजेथवोज टोटली अनएक्सपेक्टेड सिद्धार्थ शुक्लाजेथवोज टोटली अनएक्सपेक्टेड वर्थ वर्थ का मतलब होता है लायक या फिर योग्य वह तारीफ के काबिल है ही इज ंग हीज वर्थ प्रेसिंग इरीटेट इरीटेट का मतलब है चिढ़ाना या फिर तंग करना या फिर छेड़ना पाँच मिनट के अंदर ही उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया विद इन फाइव मिनिट्स ही स्टार्ट टू इरीटेट मी विद इन फाइव मिनट्स he started to irritate me. Accent, accent का मतलब होता है उच्चारण या फिर स्वर वह दक्षिणी उच्चारण के साथ बोलता है He speaks with the southern accent. He speaks with the southern accent. Greedy. ग्रीडी का मतलब होता है लालची सेंटेंस देखिए लालची मत बनो डोंट बी ग्रीडी डोंट बी ग्रीडी चेरिश चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना या फिर संजोना मैं उसकी यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। I will cherish her memories forever. I will cherish her memories forever. Hamisha. Opportunity. Opportunity का मतलब होता है अवसर या फिर मौका हम सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं we are watching for the right opportunity. we are watching for the right opportunity. कंसर्न कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या फिर चिंतित होना वह well, उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था He was concerned about her. health he was concerned about her health consequence consequence का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा यह उसके पाप का परिणाम है it is the consequence of her sin it is the

जैसे तैसे या फिर किसी तरह किसी तरह मैं नौकरी पाने में कामयाब रहा सम हाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब सम हाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब टॉलरेट टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर Determination. Determination का मतलब होता है दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प या फिर पक्का इरादा मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन एक्यूरेट एक्यूरेट का मतलब है एकदम सही शुद्ध या फिर स्टीक मेरी घड़ी बहुत स्टीक नहीं है माई वॉच is not very accurate. My watch is not very accurate. will power will power का मतलब होता है इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति या फिर मनोबल मेरे पास व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है I don't have the willpower to exercise. I don't have the willpower to exercise.